शिरडी सत्य साई समिति हमीरपुर ने दुर्घटना में घायल बोटा निवासी को 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई है। शिव मंदिर हमीरपुर में समिति अध्यक्ष शर्ता गौतम, कोषाध्यक्ष सुमित गौतम, इंदु देवी भी इस अवसर पर मौजूद रहे हैं। गौरतलब है कि राजन कुमार निवासी बोटा की कुछ साल पहले दुर्घटना में गंभीर चोटें आई थी और अब राजन कुमार चलने फिरने में भी असमर्थ है। राजन का इलाज भी चल रहा है और इलाज के लिए पैसों की दरकार है, जिसके चलते ही हमीरपुर शिरडी सत्य साई सेवा समिति आगे आई है और 11,000 रुपए की सहायता राशि उसे प्रदान की है। समिति की अध्यक्ष सरिता गौतम ने बताया कि गरीबों की सेवा के लिए समिति हर साल काम करती है। उन्होंने बताया कि इस साल भी बढ़िया काम समिति के द्वारा किया जा रहा है। जी, शिरडी साई सेवा समिति की प्रधान बनी हूँ और मुझे हिमाचल के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बनाया गया था। हमारी समिति जो है हमने गरीबों के लिए बनाई हुई है और हम हर साल बाबा जी के आशीर्वाद से लोगों को दान देते हैं। मेरी समिति को बने हुए 4.5 साल हो गए हैं, उसमें हमारा ये 8वां दान दिया जा रहा है हमारा, और इस साल के हमारा ये 3रा दान जा रहा है। जैसे 33,000 इस साल में हमने दे दिया। अभी 6 महीने मेरी समिति को अभी और रह गए, जिसमें हमने बाबा का यही आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं कि कम से कम 2 दान और देंगे जो भी गरीब हमारे पास खड़े हो। और हम बाबा से ये आशीर्वाद चाहते हैं कि हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहें और हम लोगों की भलाई के लिए अच्छे काम करते रहें। जिसमें नेकी के काम पे चले हुए हैं उसमें बाबा हमेशा हमारे को आगे तो जाने जा रहे हैं। वो 11,000 की दी जा रही राशि, इससे पहले भी हमने जून महीने में भी दी थी, वो भी 11,000 का करा था, और जनवरी महीने में भी 2017 में 11,000 दिया था। इस साल में हमारा टोटल 33,000 हो गया। आज मैं इस भक्त को 11,000 दान देने लगी। 7 साल के हैं और 16 साल पहले इनका पता चला था कि रीढ़ की हड्डी इनकी क्रैक हो चुकी है। मैं SDM के ऑफिस में अपनी परमिशन लेने गई थी, वहाँ पे ये बैठे थे तो वहाँ बात चल रही थी, तो SDM सर ने खुद मेरे से बात करी कि ऐसे लोगों को हेल्प दो। मैंने तब पूछा हुआ क्या, जैसे तो कहते इनको अभी जो डिप्टी कमिश्नर थे मदन चौहान जी, ये इनको अपनी 3-व्हीलर की स्कूटी भी दान दे के गए, अपनी तरफ से हेल्प दे के गए। उन्होंने भी मार्केट में इनको चलते हुए देखा था। ऐसे भक्तों को आपको दान देना चाहिए। तब मैंने इनको कहा कि आप अपना पूरा बायोडाटा प्रधान जी से लिखवा के लाओ और मैं आपको, हम भी आपकी थोड़ी हेल्प करेंगे। तो उसके हिसाब से जब उनका लिया तो इनका कागज सारे डॉक्टर का लिखा हुआ सब आया। 16 साल पहले का एक्सीडेंट है इनका हुआ, फादर का भी अब एक्सीडेंट हो चुका है इनके, ना कोई जमीन जायदाद है। और इसी के हिसाब से हम, मैंने कहा ज्यादा तो नहीं, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से 11,000 राज इनको देने।